गाइस तो गाइस आज हम लोग आ चुके हैं अपने माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल सीरीज़ के पार्ट सिक्स में जी हाँ हम लोग वापस फिर से आ चुके हैं इस वक्त माइंड क्राफ्ट की सर्वाइवल दुनिया में और बहुत से लोगों को तो लग रहा था कि मैं सीरीज को छोड़ चुका हूँ लोग लिख रहे थे रिप माइन क्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज रिप माइंड क्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज तो ऐसा कुछ नहीं था भाई आने ही वाली थी माइन क्राफ्ट की सवाइल सीरीज और मैंने अपनी स्किन को भी चेंज कर लिया जैसा कि आप देख पा रहे हैं या आगे से स्किन ऐसी दिखती है पीछे से ऐसी दिखती है इसके पीछे यूट्यूब का साइन है मतलब यूट्यूब का लोगो बना हुआ तो इसलिए मुझे ये स्किन अच्छी लगी तो मैंने इस स्किन को ले लिया और वीडियो तो सही में मतलब बहुत टाइम बाद वीडियो आई है पूरे दो महीने बाद वीडियो आई है और थैंक यू आप लोगों ने इतना इंतजार किया और इतना प्यार दिखाया इस सीरीज़ के लिए तो मैंने इसका पार्ट सिक्स लेकर आ गया हूँ तो अब मैं अपनी वीडियो गेम प्ले को स्टार्ट करता हूँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था तो आपको याद होगा मैं विलेजर्स के पास गया था और मैंने डायमंड्स निकाले थे और वहाँ पे मुझे और डायमंड्स मिले हैं लेकिन वहाँ पे रखे हुए हैं डायमंड और मैंने अभी उनको माइंड नहीं किया तो उनको भी मैं माइंड कर लूँगा और जो लोग कह रहे थे मैंने उनको क्रिएटिव में रखा है तो भाई ऐसा कुछ नहीं मैंने उसको क्रिएटिव में नहीं रखा है और जो लोग कह रहे हैं तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने सच्ची में उसको ऐसा मतलब वो पहले से ही वहाँ पे थे मैंने क्रिएटिव में उसको नहीं रखा है और ये मैंने यहाँ पे एक्सपी पी वहाँ बनाया है और हाँ इसको मैं पहले शुआत में सर्वाइवल में बनाने जा रहा था लेकिन सर्वाइवल में बनाने में ज़्यादा दिक्कत आ रही थी मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा था तो मैंने इसको फिर क्रिएटिव में ही बनाया है देखो ये चीज़ मैंने सही से बता दी क्योंकि मैंने इसको क्रिएटिव बनाया और इससे बहुत सारी एक्सपी मिल भी जाती है इक्कीस एक्सपी पर अभी मैं हूँ और ये मैंने साइड साइड में वाइन्स लगा दी जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वाइन्स लगी हुई है ये देखो इसको तो मैंने सर्वाइवल लगाया क्योंकि जब आपको याद होगा मैं नदर पोर्टल में गया था तब मैंने वहाँ से लाया तो इसमें एक फायदा जैसे मान लो अगर कोई रेड एड हुई तो मैं यहाँ से ऐसे ऊपर जा, तो जा सकता हूँ ये देखो जितना ऊपर जाना चाहो तो उतना ऊपर जा सकता हूँ बात की जाए यहाँ पे तो मैं अपने नेदर से जो मैं लाया था नेदर के क्वार्ट्स वो भी मैं यहाँ पे ले आके प्रेस कर दिया हूँ मैं और इसका क्या काम होता है मुझे पता नहीं है वैसे तो आप लोग मुझे बता देना और इसको मैं अभी आर टी एक्स ग्राफिक्स में खेल रहा हूँ अब मैं क्यों बता रहा हूँ जबकि मुझे पहले बनाना चाहिए था और जो मैं वहाँ नेदर पोर्टल से बहुत सारे जो सामान लाया था उससे मैंने एक नेदर का घर बना दिया यहाँ पे मैं इसका क्या करूँ आप मुझे बता देना कि मैं इसका क्या करूँ वो जो वहाँ से सामान लाया था उसी का बनाया उसको मैंने क्रिएटिव में नहीं बनाया वो उससे लोग कहेंगे कि इस क्रिएटिव में बनाया तो ऐसा कुछ भी नहीं भाई क्रिएटिव में बिल्कुल नहीं बनाया मैंने ये अंदर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ देखो ऐसा आइए इसको मैंने ऐसा बनाया लेकिन अगर इसका मैं क्या करूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं इसका क्या करता हूँ तो अब मैं आपको अपने घर का भी टूर दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या चेंजेस किया वैसे घर में तो मैंने कुछ चेंजेस किए नहीं और ये ऊपर देख सकते हैं मैंने नेदर पोर्टल को थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर कितना बढ़िया सा नेदर पोर्टल अब लग रहा है बिल्कुल तो यहाँ से जब मैं ऊपर जाऊँगा तो आपको मैं दिखा देता हूँ कैसा बना हुआ है ये ऊपर चल भाई हाँ तो ये ऊपर आ गया और यहाँ से मैंने लाइब्रेरी बना दी है जैसे कि आपको याद होगा पिछले के पिछले एपिसोड में नहीं पिछले ही एपिसोड में जब लोग विलजेस के पास गए थे तो वहाँ पे एक घर में ऐसे बुक शेल्स रखी हुई थी तो वहाँ से मैं बुक शेल्ल वा ला के मैंने यहाँ पे रख दिया है मतलब लाइब्रेरी बना दी है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी लाइब्रेरी और वहाँ पर हम लोग को एक ग्रूमिंग स्टैंड मिला था तो वो भी मैंने यहाँ पर रख दिया है और इसको तो मैंने बनाया इसको तो मतलब वहाँ पर मिला नहीं था तो इसको मुझे बनाना पड़ा था तीन डायमंडस देने पड़े थे मुझे पूरे पूरे तीन डायमंड्स तीन ऑक्सीडियन और अब ऊपर चलते हैं हम लोग ऊपर जाके दिखा देता हैं आपको नेदर पोर्टल भी कैसा है और मैंने ये यह यहाँ पे लगा दिया लाइटिंग के लिए वैसे तो ये जो ग्राफिक्स मैंने इसमें लगाई है इसकी वजह से तो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं ब्राइट हो गया मतलब माइनक्राफ्ट चमक गया है पूरा सा और ये देखो भाई नेदर पोर्टल कितना तरह ढांसू लग रहा है है ना डांसू तो चलो अब ज़्यादा नीचे चलते हैं मैं नीचे चलता हूँ और एक और चीज़ दिखानी थी मैंने जो यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाया है इसके अंदर देख सकते हैं कछुआ भी आ गया इसका मैं नाम क्या रखूँ इसका नाम मैं रखूँगा टर्टू और ये भी अपने एपिसोड्स में रहेगा आपसे और ये भी मेरा पेट है और आपको तो मैं अपने पेट से मिला ही चुका हूँ एक मेरा पेट था ये घोड़ा जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एक पेट है और हाँ ये मैं लाया था वहाँ से कोल्डन कुछ करके बोलते हैं इसको विलेज से लाया था इसका क्या काम होता है मुझे सच्ची में नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और ये मैंने प्लेजर के बैनर लगाए जो जो हम लोग वहाँ वाले जो पीछे जो हम लोग पास वो है प्लेजर का आउटस्पोर्ट वहाँ से जो लाए थे वहीं से ये है और अंदर की तरफ दिखा दी जाए तो यहाँ पर डॉग हम लोग के दो पेट बैठे हुए हैं इधर की तरफ ये सामान बढ़ चुका है जो कि मैं विलेज से लाया था और भाई खोलना नहीं है इसको और इसको मैं अपने नए वाले डिवाइस में खेल रहा हूँ रेडमी का नाइन है जो मैंने अभी भी बाई किया है क्योंकि जो मेरा वो था के ट्वेंटी वाला वो काफ़ी पुराना हो गया था और लैग भी बहुत ज़्यादा करता था तो इसलिए मुझे ये नया मोबाइल लेना पड़ा और यहाँ पर भी दे सके डिपा है रोशनी के लिए मैंने इसको लगा दिया एकदम रोशनी सी पूरी हो चुकी है यहाँ पर यहाँ पे एक ये भी लग दिया लक्टन बोलते हैं इसको शायद लेकिन इसका काम क्या होता है जबकि मैं इस टच भी कर रहा हूँ तब भी कुछ नहीं हो रहा है इसका तो मैं वापस नीचे जाता हूँ अब मैं एक बोट बना के समुद्र में जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे एक ट्रेजर वाली जगह मिली थी और आप लोग ये मत कहना कि मैंने उसको क्रिएटिव में रखा है तो भाई ऐसा कुछ नहीं मैंने उसको क्रिएटिव में बिल्कुल भी नहीं रखा यार मैंने उसको जब मैं वहाँ पे समुद्र में सोचा कि मैं जाऊँ घूमू जा, जा। 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 जाके वहाँ पे क्या क्या है तब मुझे वहाँ पे मिला था अभी तो रात हो गए <coughs> पड़ेगा वैसे तो मैं बोट को फालतू में लेकर आऊंगा क्योंकि देखो वो घर है सामने और ये सामने वो पिलर बना हुआ है अब आप लोग ये मत कहना कि मैंने उसको क्रिएटिव में यहाँ पे लाया हूँ भाई वो सही में है आप मेरी बातों का बिलीव किया करो मतलब बिलीव किया करो ये देखो अंदर बना हुआ है इसके मुझे अंदर जाना पड़ेगा चल 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 तै तैर तै कुछ 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 अब यहाँ पे क्या आपको तोड़ना पड़ेगा बस खाली मैं ना बस अभी मत मरना भाई नीचे का ऑर्डर है मैं मरूँगा भाई अब मुझे बाहर निकलना पड़ेगा पहले बाहर चल बाहर चल बाहर चल बाहर चल नहीं 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 भाई नहीं नहीं भाई इतनी जल्दी नहीं मरते अरे भाई बुरा मान तो तो गई थी अब मैं कुछ बोलूँगा नहीं मैं डायरेक्ट जाके सबसे पहले वहाँ से लेके आता हूँ जल्दी से सामान ले लेता हूँ जल्दी 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 जाओ मैं मरने वाला हूँ भाई जैसे तैसे करके मैं अपना सामान तो लेकर आ गया हूँ मैं मर गया था वैसे मैं सच्ची बताऊँ तो मैं मर गया था और मेरे पास सात एक्स आ गई मतलब इक्कीस से पूरी सात पे आ गई सही में मतलब तो मुझे वापस घर के अंदर जाना पड़ेगा और उसमें मुझे ट्रेजर का मैप मिला वो भी मैं देखता हूँ कहाँ पे है इधर की तरफ़ है ढूंढना पड़ेगा को तो मैं ढूंढता हूँ पहले इसको का चल 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 बहुत देर हो गई ट्रैवल करते करते और अभी तक मुझे वो अपनी जगह नहीं मिली है जहाँ पे ट्रेजर छुपा रखा है तो अब मैं वापस घर जा रहा हूँ इसी तरह से करके हम लोग घर तो आ चुके हैं लेकिन यार है, मैंने ट्रेजर नहीं ढूंढा मतलब वो बहुत ही ज़्यादा दूर था और मुझे जाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था अब फिर कभी अगर मान लो वहाँ पे हम लोग का जाना हुआ तो हम लोग उसको ट्रेजर को ढूंढ लेंगे मतलब आप खुद ही सोच सकते हो बहुत दूर था वो जैसे अभी देखो मेरे कॉर्डिनेट एक है वो नौ सौ पहुंच गया था तब तब भी मुझे नहीं मिला वो तो इसलिए मैं वापस घर आ चुका हूँ तो बस ये आज की वीडियो में इतना ही आपको पसंद आया पसंद आया तो लाइक कर देना चैनल पर ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपने घर को भी थोड़ा सा अपडेट करना है और मैं क्या क्या इसमें अपडेट करूँ आप मुझे बताना मुझे कमेंट सेशन में तो वैसे ही मैं अपने घर को मॉडर्न हाउस बनाऊंगा तो बस है आज की सुन में इतना ही